बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर कल हमने जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, आज फिर जो है अगले नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ईवानी ज़री से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 1973 के आइन के तहत जुबान की तारीफ कीजिए, ये भी बहुत अहम सवाल है। उसके बाद 1973 के तहत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तशकील बयान कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1973 के आइन में तरमीम कैसे होती है, ठीक है, इसमें तब्दीली कैसे होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 के आइन के तहत सदर को इसके ओहदे से कैसे इलादा किया जा सकता है, या सदर के मुआवजे का तरीकाकार क्या है, ठीक है। उसके ये भी मैंने आपको करवाया था कि अगर सदर को आइन की खिलाफवर्जी करता है, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करता है, या जिस्मानी या ज़हनी तौर पर जो है मफलूज हो जाता है, तो उसे जो है वो बरतरफ किया जा सकता है। उसके बाद 1973 के आइन के तहत सदर की मराद बयान कीजिए, सेनेट के कोरम से क्या मुराद है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे किया जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।